पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में छठे चरण की वोटिंग से पहले भड़की हिंसा, बीजेपी के एक महिला कार्यकर्ता की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव। सोनचूरा गांव के मनसा बाजार में 22 मई की रात टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, बीजेपी की महिला कार्यकर्ता रथीबाला आड़ी की मौत। बीजेपी का आरोप, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने धारदार हथियार से किया था हमला, बीजेपी के साथ कार्यकर्ता भी हुए घायल। झड़प के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को सड़क पर टायर जलाकर जाम किया, एक दुकान में आग लगाई। पुलिस ने प्रदर्शनकारी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई, हालात पर काबू पाने के लिए सेंट्रल फोर्स को किया गया तैनात। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का आरोप, सीएम ममता के भतीजे अभिषेक के इशारे पर हुआ हमला, एफआईआर में उनका भी नाम रखा गया। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने सीएम ममता बनर्जी पर हिंसा की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा इसका जवाब बंगाल की जनता बहुत जल्द देगी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने किया सीएम ममता पर हमला, कहा जब से टीएमसी की सरकार पश्चिम बंगाल में आई है कानून व्यवस्था खराब है। टीएमसी नेता राजीव बनर्जी ने कहा पारिवारिक विवाद को बीजेपी ने टीएमसी के खिलाफ चुनावी हिंसा का रूप दे दिया। टीएमसी प्रवक्ता शांतनु सेन ने नंदीग्राम हिंसा के लिए बीजेपी की आपसी लड़ाई को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा टीएमसी को बदनाम करने के लिए लगाया जा रहा है आरोप। बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने हिंसा न करने की अपील की, कहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पक्ष में माहौल। बिहार के महाराजगंज में बीजेपी नेता अनिल कुमार ने जान से मारने की धमकी देने की शिकायत की, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश पर आरोप। अनिल कुमार के ने एकमा थाने में आकाश सिंह के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत, पूरे मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। इंडिया टीवी पर टेलीविजन का सबसे बड़ा शो, हजारों की भीड़ के सामने पीएम मोदी से रजत शर्मा ने किए सवाल जवाब, टीवी पर करोड़ों लोगों ने देखा सबसे धमाकेदार शो। इंडिया टीवी के कार्यक्रम में तालियों की गड़गड़ाहट और मोदी मोदी के नारों से गूंजा भारत मंडपम, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ये एनर्जी ये जोश 4 जून के लिए बचा के रखिए। इंडी गठबंधन की हार तय है इसलिए ईवीएम को गाली दे रहे हैं, पीएम मोदी ने कहा देश के लोकतंत्र को बदनाम करने की हो रही साजिश। पीएम मोदी ने कहा इस बार एनडीए का आंकड़ा जाएगा 400 पार, देश भर में जनता का मिल रहा है शानदार समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाना ही विपक्ष का मकसद, कांग्रेस मुझसे डरती है। कांग्रेस ने 9000 संस्थान से एससी एसटी का कोटा खत्म किया, सच बोलने की हर सजा भुगतने को मैं तैयार, पीएम मोदी का बयान। मोदी ने कहा शिव में शक्ति ही नहीं जहर पीने की क्षमता भी है, कांग्रेस मन कर्म वचन से विरोधी है राम की। पीएम मोदी का बड़ा दावा, कहा देश को विकसित बनाने से पहले मैं कहीं नहीं जा रहा, विकसित भारत बनाने तक इसी दुनिया में रहूंगा, ईश्वर ने ही मुझे विकसित भारत का लक्ष्य सौंपा है और वही मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, पीएम मोदी का बयान। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 2047 तक विकसित भारत मेरा लक्ष्य, इसके लिए 24/7 काम करता रहूंगा। विदेश नीति पर पीएम मोदी ने कहा हमने विदेश नीति को झूठे सेक्युलरिज्म से मुक्त कराया, आज भारत का दोस्त ईरान भी है, इसराइल भी, पुतिन के साथ बैठकर कहा युद्ध का युग खत्म हुआ। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने पर इस्लामिक देश खामोश रहे लेकिन कांग्रेस ने 370 हटाने का विरोध किया, पीएम मोदी का कांग्रेस पर अटैक। पीएम ने पाकिस्तान का जिक्र आने पर कहा पाकिस्तान की परेशानी का कारण मैं हूं, कसाब को देश की विपक्षी पार्टियां सपोर्ट करें यह दुखद है। पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब में चुनावी प्रचार करेंगे, शिमला में सुबह 11 बजे, मंडी में 1:15 बजे रैली। सीएम योगी आज यूपी में संभालेंगे प्रचार की कमान, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव और गोरखपुर में जनसभा। अमित शाह आज बिहार और झारखंड में चुनावी प्रचार करेंगे, सुबह 11:30 बजे आरा में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में रैली। तेजस्वी यादव ने किया चिराग पासवान पर पलटवार, कहा आपके पिता की मूर्ति तोड़ी जाती है, चाचा भतीजे की लड़ाई करा दी जाती है, फिर भी आप वहां के हनुमान हैं, क्या ये होशियारी है। पीएम मोदी के शहजादे वाले तंज पर अखिलेश यादव का जवाब, बीजेपी वाले शहजादे शहजादे बुलाते हैं, शहजादे उनको शह भी देंगे और मात भी। पीएम मोदी पर अखिलेश यादव के हमले जारी, जौनपुर में कहा देश के प्रधान सांसद क्योटो हारने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आरक्षण पर घमासान, पीएम ने कहा मोदी के रहते आदिवासी पिछड़ों का आरक्षण कोई नहीं छीन सकता। पटियाला में भी पीएम मोदी के निशाने पर इंडिया अलायंस रहा, कहा कागजी सीएम को दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने से फुर्सत नहीं। पटना में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोग इस बार बदलाव चाहते हैं, पूरा देश सरकार की कमियों से थक चुका है। 25 मई को वोटिंग से पहले सोनिया गांधी की दिल्ली वालों से अपील, कहा यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का। आजमगढ़ में अपर्णा यादव के प्रचार करने पर सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने कहा सबको अपनी तमन्ना पूरी करनी चाहिए। उड़ीसा के पुरी में सीएम योगी ने कहा डबल इंजन की बनाए सरकार, यूपी की तरह माफियाओं पर बुलडोजर से होगा एक्शन। दिल्ली में छठे फेज की वोटिंग के लिए प्रशासन अलर्ट, पुलिस के जवानों ने साउथ दिल्ली के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया।
स्वाति मालेवाल के साथ मारपीट के आरोपी विभव कुमार की आज कोर्ट में पेशी। विभव की 5 दिन की रिमांड आज हो रही है खत्म। स्वाति मालेवाल ने सीएम केजरीवाल को किसी तरह की क्लीन चिट देने से इनकार करते हुए कहा, घटना के वक्त केजरीवाल घर में मौजूद थे। महाराष्ट्र के डोंबिवली में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, हादसे में 8 लोगों की दर्दनाक मौत, आग में झुलसकर 60 से अधिक लोग घायल। कंपनी का बॉयलर फटने से हुआ धमाका, धमाके की आवाज 2 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके से आसपास की कई फैक्ट्रियां तबाह, रिहायशी इलाकों में कई घरों को नुकसान भी पहुंचा। गुजरात के पोरबंदर से एक शख्स गिरफ्तार, पाकिस्तान इंटेलिजेंस के संपर्क में था, शेयर कर रहा था संवेदनशील जानकारी। कंबोडिया से 60 भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू कर भारत भेजा गया, भारतीय एम्बेसी ने एक्स पर दी जानकारी। नौकरी के नाम पर सभी को तस्करी कर लाया गया था कंबोडिया। तिरुवनंतपुरम में लगातार बारिश के बाद बड़ा समुद्र का जलस्तर, समुद्र में उठ रही ऊंची ऊंची लहरें, मछुआरों को किनारों पर नहीं जाने की दी गई चेतावनी। चीन ने ताइवान के आसपास संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया, ताइवान के उत्तर दक्षिण किनमेन और मात्सू द्वीपों के आसपास के क्षेत्रों में अभ्यास कर रही है चीनी सेना। चीन के सैन्य अभ्यास के बाद ताइवान की सेना अलर्ट, ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने किया मिलिट्री बेस का दौरा। गाजा के दीर अल बाला पर इजरायली वायुसेना ने बड़ा हमला कर किया, कम से कम 15 लोगों को मौत के घाट उतारा। आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर आज, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच चेन्नई के शिपॉक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच।